धार जिले के सरदारपुर तहसील में कुछ दिन पहले जिला कलेक्टर द्वारा बायोडीजल संचालित करने वाले अवैध पेट्रोल पंप पर कार्रवाई की थी, जिसके बाद भी चोरी चुपके से बायोडीजल धड़ल्ले से बेच रहे थे, जिसकी सूचना जिला खनिज आपूर्ति अधिकारी को मिली। मिलते ही खनिज विभाग अधिकारी ने अपनी टीम गठित कर अवैध बायोडीजल बिक्री करने वाले पर नजर रखी थी, जिसको देखते हुए खनिज आपूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। सरदारपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले थाना अमझेरा एवं सरदारपुर में बायोडीजल भरे हुए टैंकर पकड़े। जिला सहायक खनिज विभाग अधिकारी MS ठाकुर ने बताया कि इंदौर अहमदाबाद मार्ग मांगोद में बायोडीजल भरा टैंकर क्रमांक GJ193-2928 पकड़ा, जिसमें करीबन 1500 लीटर केमिकल था, जिससे अमझेरा थाना पर सुप्रीत किया गया। वो दूसरा टैंकर इंदौर अहमदाबाद मार्ग फुलगावड़ी से टैंकर क्रमांक GJ03AW4329 करीब 7000 लीटर बायोडीजल भरा हुआ टैंकर पकड़ा गया, जिन्हें सरदारपुर थाने पर सुपुर्द किया गया एवं दोनों टैंकरों के सैंपल भेजे गए। जांच आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी, जिस दौरान जिला खनिज आपूर्ति अधिकारी MS ठाकुर, सरदारपुर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अभिषेक उपाध्याय, अनुराग वर्मा, राहुल मंडलोई आदि की सूझबूझ से बायोडीजल भरे हुए टैंकरों को पकड़े। भारतीय न्यूज के लिए सरदारपुर से दीपक प्रजापति की रिपोर्ट। और हमारे DSO साहब में यहाँ की कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को लेके कार्रवाई के लिए निकले थे, तो वाहन क्रमांक JG19T2928 से केमिकल 1500 लीटर जब्त कर टैंकर अमझेरा थाने में जब्त सुप्रदिन दिया गया अभिरक्षा में रखने हेतु। इसी प्रकार दूसरी फुलबावड़ी के पास कार्रवाई की गई, एक लावारी टैंकर मिला, उसमें लगभग 7000 लीटर केमिकल पाया गया था। ट्रक क्रमांक है JG03AW4329, जिसे जब्त करके अभिरक्षा में थाना सरदारपुर किया गया। जी सर, आपका नाम? MS ठाकुर, सहायक आपूर्ति अधिकारी। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।